आज से सावन यानी भगवान शिव के महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सावन के महीने में लोगों को ज्यादा बारिश की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि तापमान में अचानक से उछाल आने से उमस बढ़ गई है और लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। शिव आराधना के लिए सावन का महीना सबसे खास माना जाता है और शिव भक्तों में सावन का महीना विशेष उत्साह लेकर आता है। पुराणों में भी कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। सनातन धर्म के अनुसार भी सावन के महीने में पूजा पाठ के साथ ही कई नियम भी होते हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति को करना चाहिए। बात करें तापमान की तो रायपुर के तापमान में दिनों दिन उछाल मार रहा है। बुधवार को तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। फसल के मौसम में बारिश नहीं होने से किसानों के माथे में चिंता की लकीरें भी दिखाई देने लगी हैं। इस बार सावन का महीना 17 जुलाई से 15 अगस्त तक चलने वाला है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भगवान शिव की उपासना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करना सावन के महीने में लाभकारी होगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल।